यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आजकल सियासत के केंद्र में हैं। बाजवा के गले लगने पर पंजाब के सीएम भी उनसे नाराज नजर आए हैं, लेकिन इस मामले को लेकर एक और नए चेहरे का दखल इस मामले में हुआ है। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर ने सिद्धू के बाजवा से गले मिलने का समर्थन कर दिया है। तो पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को गले लगाया, विवाद हो गया, लेकिन कांग्रेस उनके इस कदम पर एक उलझन में नजर आई है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जनरल बाजवा को गले लगाने पर आपत्ति जाहिर की और इसे गलत बताया गया, लेकिन आज हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने बाजवा से गले मिलने को ठीक बताया है। तंवर ने कहा कि बाजवा से गले मिलने में कोई गलत बात नहीं है। अब कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के अलग अलग बयानों से कांग्रेस का स्टैंड क्या है उस पर संशय लगातार बरकरार है और सवाल ये उठता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस कदम पर आखिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। क्या कांग्रेस भारत के जवानों के कातिल से गले मिलने को शिष्टाचार मानती है, इसे सही ठहराती है, या फिर सिद्धू का बाजवा से गले लगना कांग्रेस को गलत लगता है, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। आखिर कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान क्यों दे रखे हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू के गले मिलने पर कांग्रेस का स्टैंड साफ नहीं है? यह बड़ा सवाल है अपने आप में, चूंकि तस्वीर जो है ये पूरे देश की सियासत को गति दे चुकी है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू घिर भी गए हैं और उनका घिरना बनता भी है एक हद तक। जिस तरह से वो पाकिस्तानी सेना के चीफ से गले मिलते हैं, लगातार शहादत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी कहा कि रोजाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और उसमें गोली चलाने वाले से भी ज्यादा जिम्मेदार जो होगा सीधे तौर पर वो सेना प्रमुख होगा, उससे नवजोत सिंह सिद्धू का गले मिलना ठीक नहीं है, गलत करार दिया गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर इसका बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। उनकी ओर से कहा गया कि गले मिलने में दिक्कत नहीं है, नफरत होने में ही परेशानी होनी चाहिए। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है, ये सवाल अभी तक बरकरार है कि कांग्रेस क्या कहती है। इस तस्वीर के सामने आ जाने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख से नवजोत सिद्धू गले मिलते हैं, क्या कांग्रेस को यह ठीक लगता है, यह सवाल अभी बरकरार है। Swearing in of the Prime Minister. ये उनके दोस्त हैं, पर्सनल निजी मामला है, इट इज़ नथिंग टू डू विद अस। सो इफ ही इज़ गॉन देयर, इज़ गॉन देयर। वेदर ही सैट नेक्स्ट टू दी पी ओ के प्रेजिडेंट, सो द सो कॉल्ड पी ओ के प्रेजिडेंट जो वो क्लेम करते हैं, वो भी मे बी ही डिड नॉट नो हु दिस पर्सन वॉज। लेकिन जो बात मैं गलत समझता हूँ कि रोज़ हमारे फौजी शहीद होते हैं और जनरल बाजवा उनके चीफ को ये जफ्फी वगैरह डालनी है, मैं इसके हक में नहीं। एक गल नूं सुन लो, जो मैं जवाब देना होगा मैं दूंगा, सारे नूं दूंगा, पर टका के शिष्टाचार के माध्यम से वो वहाँ पर गए हैं। वहाँ एक क्रिकेटर जो पाकिस्तान की टीम के कैप्टन भी रहे, पुराने समय में खेलते थे, तो मैं समझता हूँ कि गले लगाना प्यार तो हम लोगों को हर एक से करना चाहिए। नफरत जो है वो किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसी बड़े शायर ने कहा है कि काश के वो दिन आए, काश के वो दिन आए, नफरत आंसू बनकर दिल से बह जाए, काश के वो दिन आए, सरहद बोसाई लब बन करके रह जाए। तो शेरो शायरी करते नजर आए हैं अशोक तंवर, लेकिन अशोक तंवर से सवाल भी बनता है, क्या शेरो शायरी से देश की रक्षा हो जाएगी? अगर देश के जवान भी इसी तरह से सोचने लगे कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख जो है, सेना के चीफ जो है, उनको गले लगाया जाए, क्या ये ठीक है? क्या ये कांग्रेस को ठीक लगता है? और अशोक तंवर को अगर ये ठीक लगा है, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, तो क्यों? ये भी बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ है स्टूडियो में, बीजेपी की ओर से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं श्यामलाल बंसल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। रंजिता मेहता जी हैं हमारे साथ कांग्रेस की से चर्चा में जुड़ी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जाधौन साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में।
रंजीता जी, पहला सवाल आपसे, ये जो तस्वीर आपने अभी देखी, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को नवजोत सिंह सिद्धू गले लगाते हैं, क्या ये ठीक है? ज्योति जी, आज मैं एक सवाल करना चाहती हूँ इस पैनल के माध्यम से आपसे भी, और इस पैनल पे जो लोग और बैठे हैं और जो लोग इसको देख रहे हैं, कि जब सिद्धू साहब वहाँ पर जाने की परमिशन मांगते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वीज़ा किसके द्वारा दिया जाता है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब यहाँ पर हमारे शहीदों की उसको लाशों को श्रद्धांजलि दी जा रही होती है, आग लगाई जा रही होती है, उनको सल्यूट किया जा रहा होता है, उधर मोदी जी वहाँ पर जाकर बिरयानी खाते हैं, नवाज शरीफ की माँ के पैर छूकर आते हैं, तो अगर आप कुछ भी करते हैं तो कुछ भी चर्चा नहीं होती, और अगर हमारे यहाँ से कुछ होता है तो आप उसका इतना भयंकर बनाते हैं और उसको देशद्रोही करार दे देते हैं। क्या विपक्षी पार्टी की डेमोक्रेसी में कोई जिम्मेदारी नहीं मैडम? और क्या सवाल का जवाब सवाल होगा? मैंने आपसे सवाल किया, आप पहले की लाइन में सवाल कर रखने के बदले में मुझे इस बात का जवाब है आपके पास रंजीता मेहता जी, क्या सही है पाकिस्तान की सेना प्रमुख को गले लगाना पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का, क्या ये ठीक है, जस्टिफाइड है अपने आप? नवजोत सिंह सिद्धू जी जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख लेकर कर रहे हैं, उनसे शिक्षा लेकर कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने ही आज तक अपना स्टैंड और नीति क्लियर नहीं की है। यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता जब डिबेट में बैठते हैं तो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को हम चीर देंगे, और जैसे ही डिबेट खत्म होती है तो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे और उनको चीर देंगे। आप अपनी पॉलिसी तो पहले क्लियर कर लीजिए, दूसरों को देशद्रोही तो आप एक मिनट में डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि जो स्टैंप है देशद्रोही की वो आपके हाथ में है, जिसको चाहे आप ठप्पा लगा दीजिए। अगर नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर गए हैं, वहां पर जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की पैदाइश हुई है, उस गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने मत्था टेका है, तो उन्होंने क्या गलत किया है? और अगर जहां तक गले लगने की बात है, इधर तो प्रधानमंत्री जी लव लेटर भेज रहे हैं, इधर प्रधानमंत्री जी जाकर इमरान खान को मुबारकबाद देकर आते हैं, अमित शाह जी जाकर उनको मुबारकबाद देकर आते हैं, अगर देशद्रोही का मामला सीएम कैप्टन अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर की आपने पूरी स्टेटमेंट नहीं सुनी, कैप्टन अमरिंदर ने ये कहा है, अमरिंदर सिंह को भी सुना दीजिए ना, मैंने सुना है कैप्टन अमरिंदर ने ये कहा है कि अगर नवजोत सिंह वहां पे गए हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के नुमाइंदे बनकर नहीं गए हैं, वो एक दोस्ती के नाते, एक क्रिकेटर होने के नाते जो इतिहास में उनकी दोस्ती रही है उस नाते से गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि मेरे निजी तौर पे ये मानना है कि वो उनको गले लगाना गलत है, ये उनकी निजी सोच है, क्योंकि सीएम क्या सोचते हैं, ये निजी तौर कहां बच जाता केस में, और कैबिनेट मंत्री सिर्फ पूर्व क्रिकेटर है, ये कहां बच जाता है? मैं यही जो पब्लिक डोमेन में जो लोग हैं, जो कि कांग्रेस का चेहरा है, वो सिर्फ एक पूर्व क्रिकेटर है, और एक जो के मुख्यमंत्री जो सोचते हैं, मुझे एक बात दीजिए कि मोदी जी ने इमरान खान की गवर्नमेंट बनने के बाद उनको लव लेटर क्यों भेजा, और उनसे एंगेजमेंट की क्यों बात की? एंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई, सगाई तो आप करना चाह रहे हैं उनके साथ। नवजोत सिंह सिद्धू पर जब जब सवाल उठेंगे कांग्रेस सरकार को घेरेगी। अभी रंजीता जी ने तो ये भी कह दिया कि पीएम से ही सीखा है इस तरह से गले लगाना। मैं रंजीता जी के सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो वहाँ से इमरान खान ने अपने और क्रिकेट को भी मैसेज भेजे हैं, उनको भी इनवाइट किया था, वहाँ उनमें से कोई क्यों नहीं गया? कि उनका जो इलेक्शन लड़ने का ढंग था वो इस तरीके का था कि उन्होंने उग्रवादियों के जो प्रमुख है उनसे मदद लेकर इलेक्शन लड़ा, आईएसआई के साथ मिलकर लड़ा, आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने उसको, उन आईएसआई वालों की भी तो आप पंजाब के अंदर का लीन बिछाते हैं, पहले एक बार बात तो करो, उन लोगों के साथ सरकारें बनाकर वहां पर एक मंच पे पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं, मिलाने की बात ही नहीं, एक बार बात मैं वहीं पे आ रहा हूँ उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ, आपकी बात के जवाब दूंगा, अभी मैं बता ये बोल रहा हूँ, उन्होंने इनवाइट तो कईयों को किया लेकिन कोई भी नहीं गया कि उनके इलेक्शन लड़ने का ढंग ही गलत था, तो उनके इलेक्शन, एक मिनट अभी अभी तो बात करो, कहाँ गए हैं? अरे साफ तस्वीरें अगर आपको मैं दिखा दूँ, आपको तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही क्या? कहाँ गए मोदी जी प्रधानमंत्री बनने, उनके बनने के बाद उनको मुबारकबाद देने के लिए गए हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक प्रधानमंत्री देश का है, उसने अपने पड़ोसियों से किस तरीके से, उन्होंने अपने ओथ सेरेमनी के अंदर सभी को बुलाया, उसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी बुलाया, प्रधानमंत्री को बुलाया, इससे
अरे बात तो सुनो, क्यों बुलाया था? उसके अपने क्यों पड़ोस के रिश्ते किसी तरीके ठीक हो जाएं? अच्छा, इसलिए तो अगर सिद्धू की उसने सिद्धू की ओपोजिशन नहीं है, अगर अगर शुरुआत कर ली नहीं, सिद्धू ने अगर शुरुआत कर ली रिश्ते ठीक करने के लिए, तो क्या गुनाह कर दिया? सिद्धू जो आप करे तो डांस और हम करे तो मुजरा। नहीं मुजरे आपकी चीज, हर चीज ये मुजरे आपको बताओगे, ये चीजें आपको। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं ये आपके आपके जो आपके शब्द हैं आपको मुबारक, मेरी बात सुनो। पहले पहले एक मिनट, पहले बात ही नहीं सुनो, या तो आप बोलो, मैंने बिल्कुल बोला, आप बोलते रहे, बोलो जितना बोलना, लेकिन बात सुनो। सबसे पहले जिनको इन्वाइट किया कोई नहीं गया, सिद्धू गया। क्या सिद्धू को जब पता है इलेक्शन किस ढंग से लड़ा जा रहा है, आईएएस की मदद से लड़ा रहा है, आर्मी की मदद से लड़ा जा रहा है, कोई पब्लिक के अंदर किस तरीके मैसेज गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने दोस्ती दिखाई, दोस्ती दिखाई। यहाँ की गवर्नमेंट ने परमिट कैसे दिया, उनको वीजा कैसे दिया? एक एक जिस कोई अप्लाई करता है उसके डॉक्यूमेंट पूरा है, उसको वीजा मिल जाता है, कोई भी अप्लाई कर दे, उसको कोई गवर्नमेंट रोक नहीं सकती। और वो अगर गया तो अपने दोस्त के नाते दोस्ती तक जाता, वहां पे आर्मी चीफ से जफियां डालने का क्या काम था? उसको उसके कान में कैसे कह दिया, गुरु नानक देव जी के उस करतारपुर का रस्ता इसको क्लियर कर दूंगा, ये उनके कान में कहां से कह दिया? अगर कहता सार्वजनिक कहता सबको करता, क्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगाया जाना जस्टिफाई किया जा सकता है? जाधव साहब, देखिए पाकिस्तान जाना तो जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान सेना प्रमुख के गले लगना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आखिर में उनके जो नेता हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के जवाब दिया। उन्होंने ये तो कहा कि भाई ये उनको निजी तौर पर आमंत्रित किया गया, वो निजी तौर पर चले गए। देखिए भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में आना जाना चलता रहता है, तमाम लोग पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं यहाँ से, और पाकिस्तान से भारत आते भी रहते हैं, लेकिन वो बहुत निजी स्तर पर होता है साफ तौर पर। अब वो ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अगर विलेन है तो वो सेना प्रमुख ही है। कारण क्या है कि सेना वहाँ इतनी हावी है कि किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से वो काम ही नहीं करने देती। जो डिप्लोमेसी भारत की तरफ से चलाई जाती है अच्छे संबंधों के लिए, उसको अगर तोड़ने का काम करती है तो वो सेना ही करती है। तो सिद्धू को क्या उनको एक कॉमेडियन की इमेज में ही रहना है या एक राजनेता की इमेज में आना है, ये फैसला तो उनको करना है कि उनको जाने गले लगने से पहले ये सोचना चाहिए था कि वो पंजाब के एक बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं और वो अपना कद भी बढ़ाना चाहते हैं, लगातार राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और क्रिकेट के मैदान को वो अलविदा कह चुके हैं। अब या तो उनको ये करना चाहिए था कि अपने क्रिकेट जीवन के खिलाड़ी के प्रति अगर उनको कोई खास लगाव था, भारतीय होने के नाते भी जिम्मेदारी बनती है अगर समझा जाए। नहीं देखिए वो पंजाब और पंजाबियत की भी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का जो कोप है, जो हमला है, वो सबसे पहले तो फ्रंटल स्टेट होने की वजह से पंजाबी झेलता है। हाँ। तो क्या उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया? और या फिर वो अगर ज्यादा ही उनको ये था कि क्रिकेट जीवन के साथियों से प्रेम था तो वो इस्तीफा देकर जाते मंत्री के पद से, बिल्कुल, और जाके फिर वो वहां मिलके इसके बाद फिर वो अपने मुख्यमंत्री को अनुरोध करते कि मुझे वापस मंत्री बनाया जाए। तो आखिर में उन्होंने कहां फैसला किया? और वो जो है कोई जवाब देते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, लौटने के बाद वो अपने तरीके से बचते हुए दिखाई दे रहे, जवाब से जवाब है भी नहीं उनके पास। सबसे बड़ा विलेन जो पाकिस्तान में अगर भारत के लिए कोई है तो वो सेना है और सेना प्रमुख है, तो उनको ये देखना चाहिए। चलिए सेना का की पक्ष जानेंगे, कर्नल साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। हिरेन साहब क्या लगता है, देश के जवान लड़ते रखें, सीमा पर शहीद होते रखें, लेकिन सियासतदानों को दोस्ती करनी है, वो भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख से गले मिलना है? देखिए ये किसी पक्ष पार्टी का या बीजेपी या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है ज्योति जी, अगर इसको देखें तो इसको बड़ी गंभीरता से देखना पड़ेगा। 70 सालों में पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है, ये बात मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी राजनेता उनको अब तक समझ में आ जानी चाहिए। हमें उनके हर उस हरकत पे एक्शन करना चाहिए जो हमें ग्राउंड पे दिखाई दे, बातचीत पर नहीं। चाहे इससे पहले जब प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो एक अच्छा गुडविल जेस्चर लेके गए थे, मानते चलो गुडविल जेस्चर लेके गए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने दिया क्या? पठानकोट और अभी जब दोबारा से इमरान खान जी का जब तहरीक इंसाफ के अंदर ये पार्टी, कहने को तो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में भी है कि ये लोग लास्ट में इलेक्शन के जब रिजल्ट आ रहे थे तो रोक के बैठ गए, नब्ज देख रहे थे अपने ही देश में कि जनता का क्या रिएक्शन आएगा, कहीं फूट तो नहीं पड़ जाए, कोई दंगे तो नहीं हो जाएंगे, ये कह के कि इसको मैनिपुलेट किया गया है। बट फाइनली चलो उस देश का मैटर है, लेकिन फाइनली उनको प्रधानमंत्री के लिए या उस तहरीक-ए- इंसाफ को मेजोरिटी दिखा दी गई। अब इसमें जो हमारे देश के जो
चार भाई हैं उनको न्योता दिया गया था, तीन क्रिकेटर थे या आई थिंक एक अपने जो हैं आमिर खान के अलावा दो क्रिकेटर थे अपने सुनील गावस्कर जी और कपिल देव जी और साथ में इनका था। देखिए मैं समझता हूँ कि मैं पक्ष पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिद्धू साहब इतने बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं, उनको पता है कब किस पार्टी से किस पार्टी में जाना है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो जब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद क्या है वो इतना नहीं पढ़ पाए कि जहां मैं जा रहा हूं और जिस देश में मैं जा रहा हूं उस देश के हमारे देश के साथ समीकरण है क्या। अब वहां पहुंच के इस बात को ऐसे बोलना कि प्रोटोकॉल का मुझे नहीं पता था, हमें भी पता है कि प्रोटोकॉल का उनको नहीं पता था, हमें भी पता है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको बाकी फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ में बैठाना चाहिए था, परंतु बैठा दिया किसके साथ में, मसूद खान जी के साथ में, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। अब उनके साथ बैठा के पाकिस्तान ने क्या गेम खेला, पूरे विश्व को यह दिखाया कि देखो हिंदुस्तान मानता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है। इस तरह की गलतियों को राजनेताओं के माफ नहीं किया जा सकता, ये अनजाने में क्यों ना हुई हो। रही बात अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति के साथ वो जाकर बैठते हैं, वो गले लगाते हैं पाकिस्तान सेना के प्रमुख को, उसके बाद अशोक तंवर ये कहते हैं कि इसमें गलत कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाने में ही गलत है। क्या पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात ठीक है कि गले मिलना ही जायज है, नफरत फैलाया जाना गलत है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब कश्मीर के अंदर पीडीपी के साथ मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं और उसी मंच पर वहां पर पीडीपी के गवर्नमेंट के मुखिया वहां पर पाकिस्तान का शुक्रिया करते हैं उस जीत के बाद, तब किसी को नजर नहीं आता? जब आप वहां पे धारा 376 को खत्म करने की बात करते हैं, 370 को खत्म करने की बात करते हैं, उसके बाद आप 4 साल बिता देते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं और अब आपको लगता है कि समय आ गया है उस जो सत्ता के सुख से अपना पल्ला झाड़ने का और अपनी इमेज बचाने का, तो वो जस्टिफाइड है। आप जब आपकी खुद की नीति आप बता दीजिए, पाकिस्तान के साथ आज भी बिजनेस टर्म्स आपने खत्म नहीं की, आज भी जब पाकिस्तान को पानी जाने की बात होती है आज भी आपने उसको बंद नहीं किया, आज भी आप वहां पे देने तो जाते हैं टक्कर पर लेके आ जाते हैं शक्कर। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब आपकी जो खुद की पाकिस्तान नीति जलेबी जैसी है जो किसी को समझ में नहीं आती, आप वहां के आईएसए एजेंट जो कि हमारा खून खाते हैं, जवाब मत दीजिए ना, इसकी नेता होने के नाते जनता को जवाब दीजिए। मैं ये रजिता जी, मैं यही तो सवाल हम करते भी रहे हैं और कर भी लेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या बतौर विपक्षी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू की कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पीओके के राष्ट्रपति के साथ बैठ जाती हैं, वो सेना प्रमुख को गले लगा लेती हैं, उसके बाद आप बीजेपी पर हमलावर हो जाती हैं। मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू जी वहाँ पर कांग्रेस के नुमाइंदे बनकर नहीं गए हैं, ये पहले भी मैंने बात की और मैंने अभी क्लियर किया है, वो एज ए क्रिकेटर और अपनी दोस्ती निभाने गए थे, इस बात को कैप्टन अमरिंदर ने भी क्लियर किया है और मैं भी आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं वो तो एक देश के प्रधानमंत्री बनकर जाते हैं, तो वो जाकर जब बिरयानियां खाते हैं, नवाज शरीफ की माँ के पैर छूते हैं और वहां पर उनकी ब्याह शादी अटेंड करके आते हैं, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? जैसे वो वापस आते हैं यहाँ पर युद्ध होते हैं, यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक से निपटती है, यहाँ पे पठानकोट पर हमला होता है, आईएसआई वालों को बुलाकर लाल कारपेट बिछाकर जो कि हमारे शहीदों का खून बहाते हैं उनका वहां पर वेलकम किया जाता है, तो ये सब क्या है? क्या ये देशद्रोही कार्रवाई नहीं है? क्या ये दोहरी नीति नहीं है? रंजीता जी ने जो बात का जवाब देना वो ना दे, कोई बात नहीं ना दे, लेकिन मोदी जी जो गए हैं, मोदी जी उसकी लड़की की शादी के अंदर गए कि किसी कोई भी प्रधानमंत्री अपने पड़ोस से, लेकिन उसके बाद कहता है कि पीएम तो बिना आमंत्रण नहीं नहीं नहीं, नहीं वो देश को आगे रख के देश से गले मिलते हैं बिना आमंत्रण के चले जाते हैं। नहीं नहीं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री की ओथ लेनी सभी पड़ोसी देशों को बुलाया, उसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाया, शायद जी आपको याद नहीं जब जहाज रास्ते में ही मोड़ लिया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का बिरयानी खाने का मन कर गया था, तब पाकिस्तान में उन्होंने जहाज बिना किसी को इन्फॉर्म किए उतारा था, बिना किसी परमिशन के उतारा था। आप इस बात से क्यों इंकार करते हैं कि मोदी जी कुछ भी करें तो जस्टिफाइड है? मोदी जी आप बता रहे हैं आज उनका पाकिस्तान के प्रति 56 इंच जीना था वो कहां चला गया? आज वो सिकंदर श्यामलाल बंसल जी आप कोस लेंगे कांग्रेस को, आपकी सुविधा की प्रवक्ता रहे
कर लेंगी। आपके पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि पीएम भी बिना इनविटेशन के पाकिस्तान गए थे। कांग्रेस उसको लेकर हमेशा पीएम पर हमलावर रहेगी। आज मनीष शंकर अय्यर ने क्या बयान दिया कि पाकिस्तान तो चाहते हैं शांति की बात करना, लेकिन जब तक ये सरकार नहीं होगी। मनीष शंकर का जवाब तो कांग्रेस से लेंगे ना, बीजेपी का जवाब दीजिए। आज पार्टी में मिला, बीजेपी का जवाब दीजिए। पार्टी से निकाला, आज सब पार्टी में मिला। इनको ऐसे लोग चाहिए, सुनिए एक बार के लिए, ऐसे लोग चाहिए। आज सब पार्टी ज्वाइन करेगी, कांग्रेस सवाल खड़े करेगी ना, विपक्ष भी सवाल खड़े करेगा, पूरा देश भी पूछेगा कि चुनाव से पहले बातें कुछ और तरह की थी, बातें किसी और तरह की। प्रधानमंत्री जी गए हैं, उसकी लड़की की शादी के अंदर गए हैं और उसकी लड़की के शादी के अंदर अच्छा मैसेज लेकर गए हैं। अच्छा। कोई देश का अच्छा मैसेज लेकर गए ताकि इनके आगे को कोई अगर कोई बातचीत हो तो मन के खटास जो है लोगों को भी दिखाई दे। वहाँ लगता है कि पीएम जाते ही तो अच्छा संदेश लेकर जाते हैं। आर्मी जो देश का पीएम है, वो देश का पीएम अच्छी व्यक्तिगत अपना एक निजी कार्यक्रम अटेंड करने देश का पीएम अच्छी मैसेज लेकर गए, उनको अपने यहाँ बुलाया तो इसीलिए पीएम गए थे, अच्छा संदेश लेकर गए थे, लेकिन अच्छा कुछ वापस लेकर नहीं लौटे। पीएम गए तो ऐसा नहीं है कि उधर के पीएम नहीं आए, उधर के पीएम भी आए पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में। ये जो सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में जो डिप्लोमेसी चलती है वो तो ठीक है, उसको तो एक अलग तरीके से ही देखे जाने की जरूरत है। नहीं तो फिर ये है कि वो भी अगर मान लो वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए तो क्या वो वहाँ की जनता के साथ या देश के साथ उन्होंने कोई देखभाल किया? विपक्ष कहता है कि बिना आमंत्रित किए भी पीएम चले जाते हैं, इतना प्रेम उनका जाग जाता है। चलिए वो एक जेस्चर है, उन्होंने अपना एक तरीका खोजा कि भाई एक अच्छा सद्भाव पैदा करने का प्रयास किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जैसे कहा गया के पीडीपी के साथ बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई और पीडीपी वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के और उनका शुक्रिया अदा करते थे, तो देखिए इसके लिए तो पूरे देश को ही एक राय होना पड़ेगा। कांग्रेस जहां धारा 370 का समर्थन करती है और 35A का समर्थन करती है तो स्वाभाविक है कि वहां तो नारे लगते ही रहेंगे। और एक मजबूरी है कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों के साथ आपको सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि धारा 370 के कारण जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो कश्मीर में हुए हैं वो तो मजबूर करते हैं कि आप ऐसे दलों के साथ सरकार बनाओ या आप छोड़ दो कश्मीर को, उनके हवाले ही कर दो। तो जिस तरह का जो कॉम्प्लिकेटेड स्थिति पैदा हुई है वो तो इस सेना के जवानों को पता है कि वहां क्या स्थिति है और सेना पर पत्थर भी फेंके जा रहे हैं और ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो इसमें तो कांग्रेस को भी ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमें ऐसी पार्टियों से दूर रहना है, इसलिए धारा 370 को हटाओ। कि क्या कांग्रेस धीरे धारा 370 हटाने को तैयार है? कश्मीर का अगर सवाल आता है तो कांग्रेस इसका जवाब दे। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद की ओर से कहा जाता है कि सेना आम नागरिकों को ज्यादा मार रही है, सेना की गोलियों से आम नागरिक ज्यादा मारे जा रहे हैं। नैन साहब इस तरह की बातें नेता करते हैं और पाकिस्तान को लेकर क्लियर नहीं हो पाता कि कोई भी पार्टी क्या सोचती है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात कर लें। नैन साहब देखिए ज्योति जी, मैं इसको इस प्रकार से कवर करना चाहूंगा कि 80,000 लोग की कुर्बानी हो चुकी है पिछले 20 से 25 साल का जो हमारा कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। 93 के बाद में जो हमारे काफ़ी शहरों के अंदर जो गड़बड़ियां पाकिस्तान ने की है, 80,000 की कुर्बानी को सिविलियंस और आर्मी को मिला के कुछ कम नहीं है। अभी भी अगर पिछला जो अभी बात चल रही थी कि पीडीपी के साथ में सरकारें क्या करती हैं, उसको आर्मी का उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेंटर में होगी हमें तो उसकी बात का मान रखना है देशवासियों के लिए। तो उन्होंने अगर जो भी उनसे था पैक्ट किया, परंतु उस पैक्ट को रमजान के दौरान अगर आपको याद हो जब आर्मी के 400 के करीब जवान शहीद हो चुके थे तो अचानक से उस दौरान में एक खुश करने के लिए पॉलिटिकल रीजन से क्या था क्या इनका आपस में था, और उसके बाद में बोल दिया गया कि भाई अभी रोक दो एक महीने के लिए रमजान के, और हमारा पूरा जो सुपीरियोरिटी था जिस हिसाब से हम ऑल आउट पड़े हुए थे ऑपरेशन में इनके पीछे, वो पीछे हो गया। मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि हम लोग बहस तो आपस में एक दूसरे पर तर्क वितर्क करने से के बजाय अगर मैं एक पॉइंट सभी के नजर में लाना चाहूं वो ये है कि अभी आज ही एक CIA रिपोर्ट लीक हुई है ISI की, और उसमें क्या कहा गया है मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मसूद अजहर का जो ग्रुप है जैसे मोहम्मद, उसको भारी संख्या के अंदर POK के अंदर पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर काफी संख्या में कैंप खोल दिए गए हैं। जैसे मोहम्मद हमारी अपेक्षा के मुताबिक ज्यादा कश्मीर में इंटरलिट्रेट कर चुका है। मोहम्मद अजहर के 500 से ज्यादा कैसेट CDs एक स्पेशल ऐप के तहत, ऐप का कुछ नाम दिया मैं उसको भूल रहा हूँ, तहत सभी युवाओं में बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा सरिया का एक यू नो वो कानून दिखाने के लिए पूरे युवाओं के अंदर
कह रहा जा रहा है कि मदरसों के बाद में एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आपको सऊदी अरेबिया फ्री में भेजा जाएगा, और इसके लिए कश्मीर के जो माँ बाप है उनको भी कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। मैं इस ये मुद्दा इसलिए बता रहा हूँ कि जिस गंभीर मसले पे हम बहस कर रहे हैं, सोच के देखिए कि आप क्या बहस कर रहे हो और पाकिस्तान तैयारी क्या कर रहा है साथ साथ में। उसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि लड़कियों को हमारे कश्मीर के अंदर लड़कियों को फिदाहीन बनाने के लिए एक स्पेशल ग्रुप का अरेंजमेंट कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये डिक्लेयर हुआ है आईएसआई ने तीन जगह पे तैयारी कर ली, लगातार बढ़ावा दे रहा है, तीन जगह तैयारी कर ली अटैक करने की, एनसीआर, लखनऊ और बेंगलोर, जहां टेररिस्ट अटैक के लिए बोला गया कि मैक्सिमम कैजुअलिटीज करो। अब बताइए, अब हमें हमारे राजनेताओं को ये सब देखना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, कर क्या रहा है? पैनी नजर रखने की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, उसके बाद चर्चा ये जारी रखेंगे कि अशोक तंवर को नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान की सेना प्रमुख को गले लगाना पसंद क्यों आया। ब्रेक के उस पर तो नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए वहां तक भी ठीक था, पीओके के राष्ट्रपति के साथ बैठे वहां तक भी समझने लायक था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ गले मिले उसके बाद भारत की सियासत तेज हो गई है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को घेरा जा रहा है, और रंजिता जी जो सरबजीत रखे उनकी बहन दलवीर कौर की ओर से कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान जीवे, पाकिस्तान को जीने की दुआएं दी जाती हैं। कौन सा ऐसा पाकिस्तान है जो कि भारत जीवे की दुआ करता है, बात कहता है, नारा देता है? देखिए, जहाँ तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक बार हो सके तो उनको भी आप इस चैनल पे पैच कीजिए। मैंने आपको बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ कि वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, एक दोस्त के नाते गए थे, क्रिकेटर के नाते गए थे, तो कांग्रेस उसके ऊपर क्यों कोई बयान दे, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज उनको परमिशन दी भाजपा की सरकार ने, अगर वहां पर आने जाने की पाबंदी है और हमारे इतने संबंध बिगड़े हुए हैं तो आप उनको वीजा क्यों देते? आपकी पार्टी के प्रदेश जो गले लगाने का रिवाज है, ये प्रधानमंत्री जी शिक्षा लेकर सिद्धू साहब वहां पर कर रहे हैं, और अगर उन्होंने किया है तो प्रधानमंत्री जी पहले इस बात को जस्टिफाई करें कि उनकी नीति पाकिस्तान के लिए क्या है। आप अगर अमित शाह कुछ क्लियर कीजिए, पहले आप कहते हैं कि बतौर क्रिकेटर गए थे तो कांग्रेस उस पर जवाब ही नहीं देगी, फिर आप जवाब भी दे देती है, ये कहती है आपकी पीएम गले मिले थे तो नवजोत सिंह सिद्धू भी गले मिल गए, वो जस्टिफाइड है। वो भी अब बीजेपी से मैं यही तो पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। मैं यही तो कह रही हूँ कि वो भी देश के एक नागरिक है, और वो भी देश के एक नागरिक है, वो देश के प्रथम नागरिक है, और एक वो देश के मंत्री है। तो अगर आज नेता से गले मिलना और एक सेना प्रमुख से गले मिलना, क्या बहुत दो अलग अलग चीजें नहीं है, बहुत बड़े डिफरेंस के साथ? मैं आपको यही तो पूछना चाहती हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां पे गए थे, उसके बाद यहाँ पर कारगिल युद्ध हुआ था, अगर उसके अगर मोदी जी वहां पे जाते हैं तो उसके बाद पंजाब पठानकोट और उरी का युद्ध होता है, तो अगर आपकी नीति ही नहीं क्लियर, अगर इतनी ज्यादा कड़वाहट है देशों के बीच में, तो ये पाबंदी परमानेंट क्यों नहीं लगाई जाती? आज भी आपकी संधियां जो बिजनेस की है वो क्यों रखी हुई है? आज भी पानी पाकिस्तान का यहां से क्यों जा रहा है? अगर आप इतने ही क्लियर हैं तो आप चीनी का इतना बड़ा निर्यात और आयात पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहे हैं? तो अगर आपका खुद का पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है, देश का स्टैंड क्लियर नहीं है, प्रधानमंत्री का स्टैंड क्लियर नहीं है, तो आप कैसे किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं? तो सबसे पहले तो देशद्रोह का मुकदमा स्वयं प्रधानमंत्री जी और जो इनके अमित शाह हैं उनके ऊपर होना चाहिए कि जब आप जाए बिना बुलाए, चाहे वो बिरयानी खाने के लिए जाए, चाहे वो शादियों के लिए जाए, चाहे आप समझे नहीं, एक नेता से गले मिलना, एक नेता से बातचीत करना और सेना प्रमुख को गले लगाना, क्या नेता उसी देश के प्रमुख हैं जिनकी जिसके लिए साथ डिफरेंस नहीं है क्या? मैं आपको यही तो पूछ रही हूँ कि कैप्टन अमरिंदर ये कहते हैं कि खुद मेरी रेजिमेंट के दो जवान और एक मेजर अभी अभी शहीद हुए हैं पिछले दिनों, उसके बाद पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं, वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगा लेते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान जीवे, क्या ये सेना के साथ धोखा नहीं है मैडम, आपको नहीं लगता? सेना के साथ तो धोखा भाजपा गवर्नमेंट कर रही है, आज उनको आप पूरे इक्विपमेंट नहीं दे रहे, आज उनका बजट कम कर रहे हैं, आज आप जितने भी उनके ऊपर आर्म्स एंड एमिनेशन है वो खतरा और खतरा हो चुके हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान के
आर्मी चीफ को गले लगाने का जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा, वो बीजेपी जवाब नहीं देगी उस पर। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ ज्योति जी, तंवर जी ने दे दिया, अगर अगर जो शिक्षा सिद्धू साहब ने किया है तो बेहतर है उसका जवाब आप सिद्धू साहब से लीजिए ना। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर दोस्त वहां पे गया है क्यों जवाब दे रहे हैं अशोक तंवर जी? अशोक तंवर जी से स्टेटमेंट मांगी जाएगी, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी नजर में गले लगना कोई बुराई नहीं है। अशोक किसके साथ गले लग रहे हो ये तो देखो, किसके साथ? मोदी जी किसके साथ गले लगते हैं? मोदी जी किसके माँ के पैर छूते हैं? मोदी जी किसके माँ के पैर छूते हैं ये तो बता दीजिए। मोदी जी कुछ भी करे तो जायज है और अगर कोई और करे तो नाजायज है। ये बात पहले पाकिस्तान के साथ उनकी जो खुद की नीति है उनको क्लियर करना पड़ेगा। जब कश्मीर में हमने 2014 के अंदर आपको गवर्नमेंट सौंपी थी तो हमने कही, मुझे एक बात जवाब दीजिए, कश्मीर में जब 2014 में हमने आपको गवर्नमेंट सौंपी थी तो हमने यही कहा था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर रखना इस कश्मीर को, आप दोस्तों संभाल कर। आपने उस कश्मीर को बर्बाद कर दिया पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाकर। आप बता दीजिए पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाकर आज आपने कश्मीर का हाल क्या किया है? कितने कितना आतंक कश्मीर में फैला है उसने उसके जवाब नहीं होता। अभी नवजोत सिद्धू की ओर से कहा गया है कि वो बात का जवाब देंगे और करारा जवाब दिया जाएगा वक्त आने पर, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कहा गया था कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गलत है गले लगाना, उस पर कहा गया उनकी ओर से। देखिए करारा जवाब देने की जहां तक बात है तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर उनके पास जवाब है तो उनको तुरंत जवाब दे देना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया के थ्रू जवाब भिजवा देना चाहिए था कि मेरे देशवासियों चिंता मत करो और कारण इसके पीछे ये थे। तो मैं समझता हूँ कि वो जवाब उनके पास कुछ भी हो लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से मिलने की ऐसी जरूरत क्या थी? और अगर वो मिल गए गले तो कोई ऐसा जो है आश्वासन लेकर आते कि अब कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा, कोई संघर्ष विराम नहीं तोड़ा जाएगा, कोई जो है सिविलियन जो पॉपुलेशन है उस पर पाकिस्तानी सेना फायरिंग नहीं करेगी, तो उनकी एबिलिटी का पता भी चलता कि वो जाके उन्होंने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जो है। हरियाणा अध्यक्ष अशोक तंवर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तंवर साहब बहुत स्वागत है आपका बड़ी बात में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहस का विषय यही है सर, जो कि आपकी ओर से कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगाती हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, आपको क्यों नहीं लगता उसमें कुछ गलत नहीं? मैं पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा जिसने भी ये बात कही है, मेरे को तो ये भी नहीं पता वो किसके गले लगे। मैंने तो ये कहा कि वो पाकिस्तान जाने के निमंत्रण की बात थी और मैंने ये कहा कि वहां जाना और किसी से मिलने में कोई गलत बात नहीं है, एज लॉन्ग एज उसके परमिशन है सारी चीजें। मोदी जी गले लग के आ जाए किसी के भी वो सब ठीक है, और कोई दूसरा गले लग जाए तो वो गुनाह है। ये ऐसा नहीं चलेगा। देश का प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए आज कितने हजारों सैनिक पिछले 4.5 साल में इन्होंने शहीद करवा दिए, एक के बदले सर 10 लाने की बात करते थे, खुद वहां पर जाकर के क्या क्या खा के आते हैं क्या पी के आते हैं कुछ पता नहीं। कभी अशोक तंवर जी शेरो शायरी तो आपने भी सुनाई, तंवर साहब शेरो शायरी तो आपकी ओर से भी सुनाई गई है सर, सुनिए। एक नेता को गले लगाना और दूसरा पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगाना, क्या इसमें कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आता? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मैंने तो मुझे मेरे से जो पूछा गया कि पाकिस्तान वो गए इन्विटेशन के, तो मैंने कहा बढ़िया बात है, और किसके गले लगे क्या नहीं लगे ये तो मैं समझता हूँ कि वो तो उनको देखना है। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं वो किसी को नहीं दिखता है क्या इस देश के अंदर, और उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। आज किस तरीके से आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, सीज फायर वायोलेशन हो रही है, वाजपेयी जी के बारे में बात करते थे अभी, चलो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने भी तो ये शुरुआत की थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर संवाद से बातचीत से अगर समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बातचीत किससे करेंगे सर? क्या बातचीत सेना प्रमुख से करेंगे? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो कि भारत में शहादत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, नवजोत सिद्धू पाकिस्तान के सेना चीफ से गले मिलते हैं फिर आप कहते हैं उसमें दिक्कत नहीं है, नफरत में ही परेशानी होनी चाहिए, क्या ये जस्टिफाई नहीं है किसी भी लिहाज से? चलिए मान लीजिए कि अगर गलती करी है, मैं एक बात आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी ये एंकर आपके साथ सॉरी जो डिबेट में बैठे हैं, तो अगर गलत है तो पाकिस्तान कार्रवाई क्यों नहीं करता? इतने दिन से इतने हजारों शहीद मरवा दिए तो करे ना कार्रवाई, किसने रोका है? कांग्रेस पार्टी हमारा पूरा समर्थन है, अगर आतंकवाद को हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी सरकार कदम उठाती है तो मैं समझता हूँ कि उसका सब स्वागत करेंगे, लेकिन केवल और केवल बातों का राजनीतिकरण करना हर मुद्दे के ऊपर, ये कहना कि ये ऐसा क्यों हो गया,
पुरानी सरकारों के ऊपर डालना मैं नहीं समझता कि ये किसी तरीके से उचित है। और इसलिए नहीं, कांग्रेस क्या करेगी? तंवर साहब, नवजोत सिद्धू पाकिस्तान में जाकर कह देते हैं पाकिस्तान जीवे, आप लोग पाकिस्तान को दुआएं देते रहेंगे कि पाकिस्तान जिंदा रखे? नहीं, हम क्यों दुआएं देंगे? और अभी कहा गया पाकिस्तान जाकर नवजोत सिद्धू की ओर से? देखिए, कोई यहाँ पर किसी के डिफेंस के लिए नहीं बैठा है। अगर अगर सरकार को लगता है कि कोई उन्होंने गलती करी तो उनसे बात करे, एक्सप्लेनेशन मांगे। और अगर ये लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह किया, तो उस गुनाह से बड़ा तो मोदी जी ने गुनाह किया जब वो गए, खुद ऑफिशियल गए अनऑफिशियल गए, उन्होंने जब यहाँ पर बुलाया वो क्यों गले लगे? जब उनकी ओवर टेकिंग थी क्यों पाकिस्तान के लोगों से वो गले लगे? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार एक अलग चीज है, और मैं समझता हूँ कि उसका बार बार हम फिर वही कहूंगा कि राजनीतिकरण करके इसको पूरे मामले को जो है हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा आज हर दसवां सैनिक हरियाणा का है, ठीक है। ये रफेल डील के अंदर किस तरीके से 70,000 करोड़ रुपए पैसा खा गए, घोटाला करके, इनको कभी माफ नहीं करेगी हरियाणा। तंवर साहब, आप इस बात का जवाब दीजिए, कैप्टन अमरिंदर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगाना गलत है, आप कहते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं, क्या नेता को गले लगाया जाना और सेना प्रमुख को गले लगाया जाना इसमें डिफरेंस नहीं है? पाकिस्तान की सेना लगातार सीज फायर तोड़ती है, भारत के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि गलत नहीं है गले लगाना पाकिस्तान सेना प्रमुख को? नहीं, पहली बात मैं आपको ये फिर कहना चाहूंगा, आज जब मेरे से पूछा उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान गए, और अब इमरान खान को गले लगाया, किसको गले लगाया, ये तो मेरे से बात हुई नहीं। मेरे को तो मोटे तौर पे ये था कि वो ओवर टेकिंग में गए हैं, किसके गले लगे हैं किसके नहीं लगे, ये तो मेरे से ना तो मैं समझता हूँ कि स्पष्ट तौर पर पूछा गया है। और दूसरी बात, थोड़ा समय और लेंगे, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल लैंड साहब, लैंड साहब बताइए, बोलिए। देखिए ज्योतिष, ये जो नीतियां हैं ना पाकिस्तान की, ये सभी जानते हैं कौन डिसाइड करता है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे भारत के प्रति नीति हो, चाहे कश्मीर की नीति हो, चाहे टेररिस्ट की बात हो, ये सब कुछ पाकिस्तान की ISI और आर्मी करती है। ये भी सच है कि जितने भी हमारे पार्टियां हैं, चाहे वो BJP हो चाहे कांग्रेस हो, जब भी ये सरकार में होती हैं या सरकार के बाहर भी हैं, सबका एक ही कहना है कि भारत के प्रति कभी भी संबंध पाकिस्तान के लिए इसलिए नहीं सुधर रहे हैं क्योंकि वहां की आर्मी सब कुछ पॉलिटिशियंस वहां के कंट्रोल होते हैं, वो ISI और इससे होते हैं, ये सब जानते हैं इस बात को। अब रही बात गले मिलने वाली बात, देखिए ये एक बहुत सुनियोजित तरीके से सिद्धू जी के वहां पहुंचने से पहले एक षड्यंत्र रचा हुआ था कि कैसे उनको कहां बिठाना है, कब बाजवा जी ने जाके उनके गले लगना है। चारों तरफ से फोटोग्राफ खींचे जा रहे थे एंगल से, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो एक तरफ तो आर्मी के बारे में ऐसा बोलते हैं पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के, और यहाँ आके देखो कितने अच्छे से गले मिल रहे हैं। पर मैं एक बात सबको सबके सामने लाने की कोशिश करूंगा और दर्शकों के सामने भी, देखिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन अच्छे हुए हैं, लेकिन कभी भी जब जिस भी पॉलिटिशियन ने या जिस भी रूलर ने हिंदुस्तान के साथ संबंध बनाने की कोशिश की वो गया। मैं आप शुरू करूंगा अयूब खान से जी, आपसे विस्तार से जवाब लेंगे अशोक तंवर जी, अब मामले की पूरी जानकारी आपको है सर, अब आपको फिलहाल स्टैंड क्या है पाकिस्तान के सेना प्रमुख को नवजोत सिंह सिद्धू का गले लगाया जाना, क्या ये ठीक है, जस्टिफाइड है? चलिए, संपर्क उनसे टूटा है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी ओर से कह दिया गया कि उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने गले किसको लगाया है, इमरान खान को लगाया है या फिर किसी और को। मैं पॉइंट कंप्लीट करना चाहूंगा, देखिए अयूब खान जी आए और शुरू के थे जब 48 का किस्सा हुआ हमारा, और जब उसके बाद में फिर पाकिस्तान ने सोचा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, संबंध बनाने की कोशिश करी, देश गरीब है उनका भी हमारा भी गरीब था, वो गए। उसके बाद में यहिया खान वो गए, भुट्टो आए फांसी चढ़ा दिया, जियाउल हक बहाने से किसी प्लेन अटैक में मार दिए गए, उसका मिसेस भुट्टो उन्होंने कोशिश की हिंदुस्तान से बनाने की, उनको गोली से मार दिया गया। माफी के साथ एक बार फिर से आपको रोकूंगी, अशोक तंवर जी का एक बार स्टैंड जान लेते हैं। अशोक तंवर जी, फिलहाल आपका स्टैंड क्या है, गलत था गले लगाया जाना या फिर सही था, जस्टिफाइड? देखिए अभी कर्नल साहब ने कहा कि षड्यंत्र के तहत उनको क्या था क्या नहीं था, ये तो वहां की परिस्थिति क्या हुई, अगर कोई, मैं समझता हूँ कि अगर कोई फीमेल है, कोई फीमेल से गले मिले, कोई मेल मेल से मिले, या कई बार चलो आपसी प्रेम है, कोई भी किसी से मिल सकता है, वो हालात क्या थे उसका तो हमें नहीं पता कि कौन किससे आकर के मिला, कैसे हुआ। तो ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मिले अशोक तंवर जी, हम जानकारी दे रखी है, तस्वीरें मीडिया में है, उसके बाद आप कहते हैं कमाल तो है, खैर एक बार के लिए सुनिए आप, नैनसा बोले। मैं तंवर जी से एक सवाल करना चाहूंगा कि पूरे निवेदन करते हुए कि क्या आप समझते, ठीक समझते हैं कि इतने सीजन पॉलिटिशियंस होके आप सभी लोग, इतने सीनियर लोग हो करके, और आप लोगों को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान हमारे साथ में वहां जाके बदमाशी करेगा या नहीं करेगा, मेरा सिर्फ ये सवाल है।
नहीं देखिए, पाकिस्तान बदमाशी करेगा, एक व्यक्ति को इनवाइट किया गया है और मैं समझता हूँ कि ऐसे तो हमारे यहाँ भी मोदी जी ने इनवाइट किया, पाकिस्तान वालों को इनवाइट किया उस समय और बीच बीच में खुद भी वो जा करके गए, तो इसलिए मैं बार बार उसी बात के ऊपर फिर आ रहा हूँ। कोई गलत है तो सरकार अपनी कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, आपका स्टैंड है बिल्कुल, अशोक तंवर जी क्या कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए? क्या डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष की बड़ी भूमिका नहीं होती सर? क्या कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी नहीं है? सबसे पुरानी पार्टी नहीं देश की? क्या उसका स्टैंड क्लियर नहीं होना चाहिए अपने नेता को लेकर? पार्टी ने तो पाकिस्तान को नाको चने चबवाए हैं, सबसे पार्टी बड़ी पार्टी ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए और हमेशा मैं समझता हूँ की पाकिस्तान की तरफ से कभी भी हमारे सबसे पुरानी पार्टी अपना स्टैंड ही क्लियर कर दे, रिक्वेस्ट है आपसे, अपना स्टैंड आप एक बार क्लियर कर दे। नजर से देखा गया तो उनको सबक सिखाया गया और आगे भी कांग्रेस ही सबक सिखाएगी। हाँ। ये निकम्मी मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार कुछ नहीं कर सकती, ना सैनिकों के लिए कर सकती, ना इस देश के लिए कर सकती, ना किसान मजदूर के लिए कुछ कर सकती। ठीक है, लेकिन सैनिकों के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या किया, ये सवाल बरकरार रखेगा जब तक कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। अशोक तंवर जी आपको ठीक लगता है या फिर नहीं, सीधा सा जवाब आपको ठीक लगा? आपको ठीक लगा? क्योंकि अशोक तंवर को क्या लगता है वो भी मायने रखता है, सरकार को क्या लगता है वो एक अलग विषय। मैंने तो स्पष्ट कह दिया है और आपके सामने ये बात हुई कि किसी ने षड्यंत्र भी किया हो सकता है, बिना परिस्थिति के जाने मैं कोई यहाँ से जजमेंट दूं, मैं नहीं समझता कि ये उपयुक्त है। गले लगाने में कौन सा षड्यंत्र है सर, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो तस्वीर सामने, कर्नल साहब ही कह रहे हैं कि वहाँ पर पूरा वो उनको जहाँ पे बिठाया गया उनको पीओके के राष्ट्रपति के साथ। मैं ये कह रहा था कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे उनके नवाज शरीफ से मिलने के लिए, उसके बाद तुरंत उन्होंने पठानकोट और उरी किया था, तो ये बात तो सभी को समझ में आनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास अगर हम जाएंगे तो उसका नाजायज ही काम करेगा, उसकी बोलने में और एक्शन में बहुत फर्क है। तो मेरा सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है पूछने का कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब को मेरे हिसाब से जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप ये कह रहे कि नहीं जाना चाहिए था। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के वहां पर जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने उनसे क्या संबंध है, किस तरीके से है, पुराने क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, व्यक्तिगत कई बार लोगों का होता है और मैं समझता हूँ कि जब हमारे देश के जो वो गलती कर सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, और अगर गलती करी है तो ये भी गलती का संज्ञान लेना चाहिए सरकार संज्ञान। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और आपने वक्त दिया। श्यामलाल बंसल जी, अभी सुना आपने अशोक तंवर जी को, उनका कहना है कि अगर गलत किया गया सरकार को लगता है तो सरकार एक्शन ले ले फिर। ये बिल्कुल एक्शन नहीं लेंगे। मणिशंकर अय्यर ने जब पाकिस्तान में जाकर कहा कि वो तो आप तो उनसे बिल्कुल अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक मोदी है, मैडम बीच में ना बोले, पहले बात करने दो। आपसे सवाल क्या किया और जवाब क्यों दे रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर कुछ गलत किया तो एक्शन ले, आपने कहा कि एक्शन नहीं लेंगे। पहले मोदी को बदलना पड़ेगा, सरकार पूरी जनता पूरी जनता के बारे में मोदी को पूरी जनता मोदी को बदलने के लिए आपके घर में आपसे नहीं बदला जाना। जनता सर आप सुनेंगे, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी कहते हैं कि सरकार एक्शन ले नवजोत सिंह सिद्धू पर। सरकार तो आप लोगों की नहीं, सरकार एक्शन कब है केंद्र में? अभी अशोक तंवर जी की ओर से भी कह दिया गया कि अगर सरकार को गलत लगता है तो सरकार एक्शन ले। स्टेट नहीं, आप लोग क्या करते रहेंगे? आप लोग बयान देते रहेंगे, आलोचनाएं करते रहेंगे? नहीं, आलोचना नहीं, जो पहले तो मुख्यमंत्री वहां के हैं वो अपनी कैबिनेट से उसको निकाले, उसके बाद कांग्रेस को पार्टी से निकाले, फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम पहले कैसे एक्शन ले सकते हैं? वो पहले तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो विरोध कर रहे हैं उसको वहाँ से उससे निकालना चाहिए। जादू साहब, क्या क्या समझ में क्या आया इस बात से कि वो एक्शन ले, वो इस्तीफा उनका करवाएं, उसके बाद सरकार फिर? देखिए, फर्म स्टैंड कोई शो नहीं कर रहा, सब एक दूसरे पर टालने का प्रयास कर रहे हैं। तंवर जी ने कह दिया कि मुझे पता नहीं था। हाँ। और गलत है तो सरकार जो है कार्रवाई करे। अरे गलत करने का कहने का फैसला सरकार के ऊपर ही क्यों छोड़ते हैं? आपके पार्टी के फेलो हैं, फेलो मेंबर हैं, तो आप तय कीजिए कि मेरा फेलो मेंबर गलत था या सही था, आपको यही घोषित कर दीजिए। ये इतना साहस तो होना चाहिए ना किसी भी लीडर में। आप पूरी जनता को लीड करने, पूरे एक प्रदेश को लीड करने का दावा करते हैं तो फिर ये फैसला तो होना चाहिए ना आपके स्तर पर भी। तो ये टालने वाली बात क्यों हो रही है? फिर ये भी कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से, अरे मैं तो ये कहता हूं कि सरकार और कानून के पास बहुत ताकत है, संविधान है बहुत बड़ा, तो वो तो डायरेक्ट मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। हाँ। कि वहां जाके जो है सेना प्रमुख से मिले। देखिए, इसमें बड़ा सिंबोलिज्म यूज किया पाकिस्तान ने, को उनको बुलाया
इमरान खान के साथ गले मिलते हुए तो फोटो नहीं खींची, और खींची गई फोटो तो उसके साथ सेना प्रमुख के साथ या पीओके के प्रेसिडेंट के साथ, ताकि उसको जो है डिप्लोमेटिक चैनल में इस तरह से यूज किया जाए कि कोई विवाद नहीं है, सब कुछ गले मिल रहे हैं, और पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है और बाकी की कश्मीर है उस पर भी हमारा दावा है। तो ये स्थितियां बहुत ज्यादा जी, ये बड़ा वाजिब सवाल पूछा गया जाधौन साहब की ओर से कि अगर पार्टी भी तो कोई एक्शन देना, क्या पार्टी अपने विवेक से पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रखे हैं, और वो सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं है, वो पंजाब के एक मंत्री है, अगर लगे पार्टी को कि गलत किया तो पार्टी भी एक्शन ले। मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि जब कैप्टन अमरिंदर ने बिल्कुल क्लियर क्या क्या कहा कि भाई उन्होंने मेरे को, मेरा निजी तौर पे ये मानता हूँ कि उन्होंने गले लगाया तो गलत किया है, तो अगर आज सरकार ये मान रही है उन्होंने गलत किया है तो आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पहले तो इनकी कांग्रेस पार्टी इन पे एक्शन ले, फिर ये इंतजार कर रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री एक्शन ले। आप बताइए कानूनी एक्शन आपके मोदी जी के लिए क्यों नहीं होता, आपका कानूनी एक्शन आपके अमित शाह के लिए क्यों नहीं होता, आप कुछ भी करें तो जस्टिफाइड है और हम कुछ भी करें तो अनजस्टिफाइड है। कश्मीर, कश्मीर जब आपको दिया गया था 2014 के अंदर, उसके बाद देखिए अब तक आपने वहां पे आतंक का जो जो तंडव किया है तो क्या उम्मीद की जाए, एक्शन लिया जाएगा फिर? बिल्कुल लिया जाएगा, लिया जाएगा। अगर गलत किया, बोल रही अगर गलत किया है तो एक्शन लिया जाएगा, अगर पार्टी मानेगी कि उन्होंने गलत किया है तो एक्शन लिया जाएगा, डिसाइड करेगा कि उन्होंने गलत किया है तो उनपे एक्शन लेंगे। अगर मुख्यमंत्री, मेरा मानना ये है कि ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो पाकिस्तान गए थे और ना ही नवजोत सिद्धू जी अभी जो पाकिस्तान गए हैं, कोई गलत इरादे से वहां गए, लेकिन हमें समझना ये होगा कि पाकिस्तान के साथ में ये बातें काम नहीं करती हैं, मन की बात काम नहीं करती है, क्योंकि इन लोगों की करनी और कथनी में वो बहुत फर्क है। लेट देम नो, उनको पहले आगे एक स्टेप लेने दें, जो ग्राउंड पे वो स्टेप लेते हैं, हमारे आर्मी का यही सोच है कि हम उसी हिसाब से उनसे डील करते हैं जैसे वो ग्राउंड पे स्टेप लेती है, तभी हम उनको डील कर पाएंगे। रही बात किसी पे एक्शन लेने की या नहीं लेने की, हालांकि ये तो एक राजनीतिक सोच है और इनका अपना डिसीजन है, लेकिन मेरा मानना ये है अपना व्यक्तिगत कि हमारे सभी राजनेताओं से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि खासकर पाकिस्तान के बारे में, ये दो मुहा सांप है, ठीक है, इसके बारे में हमेशा सावधानी से और बहुत सोच विचार करने के बाद स्टेप लें। रंजीता जी बोलना है आपको बहुत जल्दी। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी हर बात मुद्दों को भटकाने के लिए नया मुद्दा शगुफ्ता छेड़ते हैं और उसको चर्चाओं में लाते हैं। अभी शगुफ्ता तो नवजोत सिंह में आज इतना बड़ा मुद्दा हमारे देश के अंदर केरला है, आप देखिए उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। केरला के लिए जब दीवान की जाती है 1220 करोड़ की राहत की तो हम 100 करोड़ देते हैं, जब मांगी जाती है 200 करोड़ की तो ये 500 करोड़ देते हैं। कितना पैसा दिया?